नॉर्मल सिटीजन्स वहाँ पे वेपन्स उठा लिए वॉर करने के लिए, वो भी उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं शूट करने को, तो सिचुएशन बहुत खराब है। कहीं भी सिविलियंस बिल्डिंग्स पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए जा रहे हैं और निकलने के लिए बॉर्डर पे इतने भीड़ है, ट्रैफिक है कि मतलब लोग रोड पे कुकिंग कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए ये है कि इंडियंस को बस इतना अलाउ किया गया था कि अपना फ्लैग प्रिंट करो कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वो फ्लैग देख के कोई कुछ नहीं करेगा, ना ही रशियन ना यूक्रेन कोई कुछ नहीं करेगा। सो वो देख के लगा कि हाँ हम काफी पावरफुल है, ताकि और इंडियन गवर्नमेंट काफी हमारे लिए कर रही है, तो वो जान के काफी अच्छा लगा। कितनी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, हम वापस आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, जितना हमारी बहुत ही ज्यादा मदद किया, जिस तरह से मुझे लिए वहाँ से, उसके बाद यहाँ से फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हम लोगों का वेलकम करने आए थे, सो बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। वहाँ के हालातों के बारे में बताइए, आपने आपने आपको देखी है सारी चीजें, कुछ बताइए वहाँ की। हालात वहाँ का बहुत वर्स्ट है, जहाँ था मिसाइल से दागा जा रहा है, इसके बाद बमबार्डिंग किया जा रहा है, कुछ भी कहना ये नहीं है जो कब क्या हो जाए वहाँ पे, हर कोई पैनिक है वहाँ पे। इवन जो हमारे दोस्त है कुछ बंकर में रह रहे हैं, उनको खाने पीने की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।